भागवत भंडारे में सभी ने लिया केशव आचार्य जी का आशीर्वाद। केलधार में आयोजित कथा का हुई इस भव्यता से संपन्न कोलारस केलधार प्राचीन आश्रम पर 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन भव्यता से संपन्न हुआ। ब्रजधाम से पधारे संत केशव आचार्य जी द्वारा प्रतिवर्ष यहां कथा का आयोजन किया जाता है। इस धार्मिक यज्ञ में क्षेत्र के सभी नेता और जनप्रतिनिधि केलधार आश्रम पर लगातार 7 दिन से 1000 लोगों का भंडारा जारी रहा। अंतिम दिवस 40,000 लोगों का विशाल भंडारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर महाराज केशव आचार्य जी ने वर्तमान विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, पूर्व विधायक महेंद्र यादव, रामवीर यादव, राम भरोसी, विवेक व्यास, विशोक व्यास सहित सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। अगले वर्ष भी उक्त आयोजन भव्यता से किया जाएगा। साथ ही समय आने पर महाराज जी ने आदिवासी समुदाय की भी भागवत कराने का निर्णय लिया है, जिसकी पूरे क्षेत्र में सराहना की जा रही है। भंडारा हुआ है, कितने लोगों का और क्या पूरा कारण रहा है? देखिए बिट्टू भैया, आज जो भंडारा, जो विशाल भंडारा हुआ है केशव आचार्य जी के शंखनाद में, और 40,000 लोगों का आज भंडारा हो चुका है और निरंतर अभी 2 घंटे और शेष हैं। सुबह कितने बजे से भंडारा चालू? सुबह 10 बजे से चालू कर दिया गया था और अभी 8 बजे तक और चलेगा। अच्छा, ये भागवत कथा का भंडारे का समापन हुआ है, मेला भी है, कैसा क्या रहता है यहाँ पे? देखिए मैं यहाँ बहुत दिन से आ रहा हूँ और कलश यात्रा प्रारंभ हुई उस दिन से 7-8 आदमी का तो पर डे भंडारा चल रहा था। इसके बाद पहले प्रसाद बढ़ता था, आखिरी में आपकी बार तो 35-40 हज़ार आदमी का यहाँ भंडारा हुआ है महाराज जी के सानिध्य में, और ऐसा भंडारा मैंने तो पहली बार देखा है यहाँ के। बहुत अथाह जनसंख्या और इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये कपिल मुनि महाराज की कृपा है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं इस मेले में? मैंने तो बदरवास से आगे से, हम तो आगे खतौरा के रहने वाले हैं, और शिवपुरी से, कोलारस से, बदरवास, लुकवासा, आसपास के पूरे क्षेत्र के जनता यहाँ आती है, और यहाँ आदिवासी क्षेत्र बहुत है। बेचारे आदिवासी लोग तो उनके जंगल से लकड़ी काट काट के महाराज जी के यहाँ ला रहे हैं और यही भंडारा प्राप्त कर रहे हैं। भगवान कपिल मुनि की कृपा से और 25 गांव के जनता जनार्दन की मेहनत इतनी जबरदस्त रंग लाई, आज पूरे क्षेत्र में हाहाकार हो रहा है। कम से कम 30,000 से 35,000 आदमियों ने भोजन प्रसादी ग्रहण किया। कपिल मुनि पर क्षेत्र के लिए धन्यवाद देने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उन्हें धन्यवाद दें उतना ही कम है, और समस्त मीडिया भाइयों से जिन्होंने केलधार का प्रचार प्रसार किया मैं उनको कोट कोट धन्यवाद देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि इसी प्रकार से मीडिया सहयोग करती रहे, धार्मिक स्थलों पर सनातन धर्म का संवर्धन होता रहे। कथा कब से कब तक चल रही थी महाराज जी? ये कथा 7 तारीख से 14 तारीख तक, आज 14 तारीख है, 14 तारीख को विशाल भंडारे के साथ में ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, और 7 दिन लगातार ये भंडारा चलता रहा और इसी प्रकार से जनता जनार्दन सहयोग करती रही। और कौन सी भागवत थी, कितनी भी भागवत थी? भागवत महापुराण थी जिसमें 54 पंडित श्री धाम वृंदावन से पधारे जो बैठ करके मूल पाठ का बताया जा रहा है। यहाँ पे लगातार कई वर्षों से भागवत जी चल रही है, कितने वर्ष हो गए? ये सन 2012 से लेकर के आज तक अनवरत ये कार्यक्रम चल रहा है और आगे चलता ही रहेगा।